आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके, पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे, पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। आठ साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने आठ साल में कोई काम नहीं किया, आठ साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे YouTube पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है? विवेक अग्निहोत्री को बोलो YouTube पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? YouTube पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक MLA था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरों कश्मीरी पंडितों के नाम पे कोई कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार, आंखें खोलो तुम लोग। सारे जने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे, राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे हम, राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलके। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। और जो भी करना हो कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो, ये गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को यार। आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहाँ पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया।